नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना से मुकाबले के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स और विशेषज्ञों से, ताकि आपको वो सारी जानकारी मिल सके जो कोरोना से मुकाबले और बचाव के लिए जरूरी है। और आज हमारे साथ मौजूद है कोविड 19 महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स के सदस्य, चेयर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन साउथ ईस्ट एशिया और मुंबई के लीलावती अस्पताल में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक जोशी। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर जोशी। इस वक्त देश भर में बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और हर कोई आज यही बात जानना चाह रहा है कि जिस तरह से दूसरी लहर में एक पीक के बाद मामले कम होना शुरू हो गए थे, इस मौजूदा लहर में भी क्या ऐसा ही होगा और क्या इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस लहर में वो वक्त कब आएगा? बिल्कुल सही पूछा आपने कि दूसरी जो लहर आई थी तब हमारी जो पीक आई थी वो अप्रैल एंड और मई में आई थी और वो डेल्टा वेरियंट था। अब वाला जो आ रहा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं और अलग अलग जगह पे पीक अलग अलग टाइम पे आएगी। जैसे मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा अभी कोरोना के केसेस मामले दर्ज हुए थे, उसकी पीक शायद लास्ट वीक आके चली गई है और अभी हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं। जैसे अभी आंकड़े 6,000, 7,000, आज शायद 4 या 5,000 ही आंकड़े आएंगे। तो आंकड़ेबाजी में हम देखे जाएंगे तो ये इसका नंबर काफ़ी कम हो रहा है। जो जितने तेजी से ये लहर आती है उतने ही तेजी से कम होती है। दिल्ली में भी एक पीक अभी है, अगले हफ्ते तक ये पीक नीचे होनी चालू हो जाएगी। महाराष्ट्र में ये पीक ये जनवरी एंड तक आने की संभावना है और पूरे भारतवंश में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में पीक होने की संभावना है। और यही संभावना और आशा भी है हमको कि जितने तेजी से ये लहर आ रही है उतने ये सुनामी जैसी लहर है, तो इसके आने का जो रफ्तार है ये सुनामी जैसे बहुत फास्ट आने वाली है, लेकिन उतने ही तेज रफ्तार से वो नीचे भी आ जाएगी। और हमारी यही मनोकामना और आशा है कि मार्च के मध्य में या अंत में शायद ये लहर निकल भी जावे। तो अलग अलग हिस्सों में ये लहर है। अभी जो पीक के ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुग्ण देखे जाते हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में है, फिर दिल्ली में है और उसके आजू बाजू इलाकों में है, बंगाल में है, कलकत्ता के एरियाज में है, ये तीन है और आसाम नॉर्थ ईस्ट में है और केरल में और साउथ इंडियन स्टेट्स में अभी ये बढ़ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मामले की ज़्यादा तादाद है। एक दो हफ्ते के बाद पूरे भारतवंश में मामले आ जाएंगे और महीने डेढ़ महीने के बाद ये पूरी लहर कम हो जाएगी। एक ही अच्छी चीज़ है कि ये जो लहर है इसका जो प्रमुख वेरियंट ऑफ कंसर्न है ये ओमाइक्रॉन है और डेल्टा जो है कोई कोई ज्योग्राफीज में जैसे महाराष्ट्र में है लेकिन बाकी जगह जैसे दिल्ली वगैरह में 95-100% रिप्लेस हो चुका है और ओमाइक्रॉन की जो तीव्रता है ये काफी कम है। जी, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगहों पर ये पीक अलग टाइम पर आएगी और जो पीक के मामले होंगे वो भी हर जगह पर अलग अलग होंगे या किसी जगह पे कुछ मामले होंगे किसी जगह पे कुछ मामले होंगे? बिल्कुल सही बोला आपने कि अलग अलग जगह पे पीक का वक्त अलग अलग होगा और वो अलग अलग मामले दर्ज होंगे, लेकिन इस बार हम आंकड़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी बताया है कि हमको इस 80% लोग असिम्प्टोमेटिक है तो उनकी जांच करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डबल मास्किंग और सैनिटाइजेशन करना चाहिए और उसके साथ ही थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमको सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनको लक्षण है कोरोना के, छोटे लक्षण या बड़े लक्षण, उनको जांच करके आइसोलेट, सेल्फ आइसोलेट करके, होम आइसोलेट करके अपनी जो वैद्यकीय सलाह से इलाज करना चाहिए। और जिनको ज़्यादा लक्षण है या हाई रिस्क ग्रुप में है, कोमॉर्बिडिटी ग्रुप में, उनको अस्पताल में उसका इलाज करना चाहिए। तो यही ये इस बार का अवलोकन है और अलग अलग ज्योग्राफीज में ये अलग अलग टाइम पे आया तो भी इसकी जो ओवरऑल तीव्रता काफ़ी कम है और डेल्टा से तो बहुत ही कम है। डेल्टा के थोड़े मरीज अभी भी दिख रहे हैं लेकिन उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 90-95% लोग तो घर पे ही ठीक हो जाएंगे और जो भी 5-10% लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमारी पूरी
यंत्रणा जो है भारत सरकार की, ये पूर्ण सशक्त है और सब राज्य सरकार भी सशक्त है कि हम ये पूरी जो अस्पताल में ट्रीटमेंट देनी हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, उसके लिए पूरी हमारी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम्स रेडी है। जी रसब, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो लक्षण होते हैं वो जल्दी दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी अगर किसी को ओमिक्रॉन संक्रमण हुआ तो आमतौर पर कितने वक्त में लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं? तो आपका एक सही प्रश्न है कि जूने डेल्टा वेरिएंट में या जो एंसेस्ट्रल वेरिएंट था वुहान का, उसमें करीबन लक्षण आने को 5-6 दिन लग जाते थे। अभी ओमिक्रॉन में 1-3 दिन में ही लक्षण जल्दी आ जाते हैं, यानी किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है तो एज अर्ली एज 12 घंटे या एज लेटेस्ट 3 दिन, तो इसके लक्षण होने की जो संभावना होती है बहुत जल्द होती है। तो इसका एक रैपिड स्प्रेड भी है और शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड भी, जिसको हम बोलते हैं, वो भी शॉर्ट है और 1-3 दिन, बट एक अनुमान लगाया जाता है कि करीबन 3 दिन है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड, जो पहले वेरियंट में करीबन 5-7 दिन था। तो ये जल्द आता है और उसके जो लक्षण आते हैं वो लक्षण लगभग सही है, लेकिन ये नाक और घसे में ज्यादा है, यानी अपनी जो थ्रोट और नोज है वहां पे ज्यादा उसके लोकलाइजेशन है, नीचे वाले फुफ्फुस में जो लंग बोलते हैं वहां पे ज्यादा नहीं होते हैं। तो नेजल कंजेशन हो, सोर थ्रोट हो, घसे के जो वहां पे दर्द होना, घसे में दर्द होना, ये बहुत ज्यादा है, खांसी होनी, खांसी के साथ बुखार होना, ये ज्यादा लक्षण है। और पहले वेव में और दूसरे वेव में हमने देखा था कि अक्सर लोगों का जो स्मेल का और या टेस्ट का सेंसेशन चला जाता था, तो ओमिक्रॉन में नहीं होता है वैसे, तो ये एक अलग कर सकते हैं हम उसके लिए। और काफी लोगों को सर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, तो ये थोड़े से लक्षण ओमिक्रॉन के अलग है और फ्लू जैसे ज्यादा है और पहले डेल्टा से थोड़े अलग है। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को ओमिक्रॉन का संक्रमण है और हल्के फुल्के लक्षण हैं, तो ऐसे लोगों को क्या किसी दवा की जरूरत पड़ती है या फिर ये लोग बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं? 90% लोगों को कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको दो चीज मापनी पड़ती है अलग टाइम पे। एक तो बुखार का जांच करना थर्मामीटर से बहुत जरूरी है, और यदि बुखार 101 के ऊपर 3 लगातार दिन होता है तो अस्पताल में भर्ती होना या उसको कोई दवाई देना, कोमॉर्बिडिटी होगी, 50 के ऊपर वय होगा तो कोई एंटीवायरल नई दवाई है वो कभी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन दवाई हम लोग वापरते हैं ओमिक्रॉन के लिए वो है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल तो 650 मिलीग्राम दिन में 4 बार दे सकते हैं, ये सबसे सशक्त दवाई है। और फिर सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी खांसी हो गई तो खांसी के सिरप देते हैं, लोकलाइज्ड जो बहुत ज़्यादा सांस फूलती है तो कभी कभी इन्हेलर देते हैं उसको, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही जारी की जाती है जिनको कोरोना की तीव्रता या ओमिक्रॉन की तीव्रता कम हो। तो पैरासिटामोल छोड़ के और कोई हम दवाई नहीं देते। और सैचुरेशन मापना ये दूसरी महत्वपूर्ण है, तो पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, सैचुरेशन जरूर मापना चाहिए। यदि आपको सांस फूल रही है या आपका सैचुरेशन 93% के नीचे है या आपको 6 मिनट वॉक करने के बाद सैचुरेशन 3% से नीचे गिरता है, तो जरूर आपको अस्पताल में जाना चाहिए। आपके डॉक्टर के साथ सलाह रखना बहुत जरूरी है। तो अस्पताल में जाने के लिए बहुत कम मरीज है और अक्सर मरीज अपने आप ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और जिनको अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी है, जैसे मधुमेह की बीमारी हो, किसी को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, किसी को हृदय विकार की बीमारी हो, किडनी का कोई बीमारी हो, लीवर की कोई बीमारी हो, तो कोई भी अतिरिक्त बीमारी हो कोरोना के साइड में, और वैसे कोई मरीज हो और उसको कोविड हो जाता है, तो ज्यादा उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करके उनको हाई रिस्क ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है और उनके ऊपर वैद्यकीय निगरानी जाती है। ये लोग भी जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। और हमारे जो सीनियर सिटीजन है, जैसे आयु बढ़ती है 60, 70, 80, 90, उनको उनके ऊपर ज्यादा निगरानी रखनी पड़ती है। जी जैसा आपने कोमॉर्बिडिटी का जिक्र किया, मैं इस पर ये और जोड़ना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग, बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में हैं जो डायबिटीज या मधुमेह से पीड़ित हैं, उनके लिए खतरा दूसरों के मुकाबले क्या ज्यादा है, और अब ऐसे वक्त में उनको क्या कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मधुमेह हो, रक्तदाब हो, हृदय विकार हो या कोई भी बीमारी हो, तो अपने डॉक्टर के साथ संपर्क रखना चाहिए। अपनी शक्कर को जो फास्टिंग शुगर रहती है वो 110 के नीचे रखनी चाहिए, 2 घंटे खाना खाने के बाद 140 के नीचे रखनी चाहिए। उसकी दवाइयों पे, उसकी जांच
टाइम पे टाइम करनी चाहिए, खान पीन पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा घर में ही प्राणायाम, योग और एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये सिंपल चीजें करके अपनी शक्कर, अपना रक्तदाब नियंत्रण में रखना ये बहुत अनिवार्य है, और आपके जो डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट है उनके साथ सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी शक्कर कंट्रोल में होगी, रक्तदाब कंट्रोल में होगा, तो आपकी जो रिस्क है कोविड से कॉम्प्लिकेशन की वो बाकी लोगों के उतनी हो जाती है। लेकिन यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपने जैसे जिक्र किया, फिर उनको कॉम्प्लिकेशन या अस्पताल या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना से बचाव में मास्क का रोल बहुत अहम है, और क्या इस लहर में, खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के, हमें अपना मास्क या मास्क पहनने के तरीके को अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि ज्यादा प्रभावी तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सके? बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का जो प्रादुर्भाव है और ये ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये एयरबोर्न वायरल ड्रॉपलेट है, तो इसमें हमको दो चीज की बहुत ख्याल रखना चाहिए। पहले तो क्या है कि हम अक्सर कपड़े का मास्क पहनते हैं, तो उसमें से कभी कभी वो ओमाइक्रॉन का वायरस उसमें से निकल जा सकता है। तो जो जो हम कपड़े के मास्क पहनते हैं उनको हमारी एक दस्तावेज है, रुपए 2 रुपए का वो 3 पाई सर्जिकल मास्क आता है, उसके ऊपर लगा लीजिए, इसको हम डबल मास्किंग बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो डबल फिल्टर हो जाएगा तो मास्किंग में, और पूरा मास्क प्रॉपरली फिट होना इतना ही जरूरत है। और दूसरी बात है, यदि हम हेल्थ केयर स्पेस में हैं या हाई रिस्क या बार बार एक्सपोज होते हैं, तो N95 का सिंगल मास्क भी पहन सकते हैं। तो हमने डबल मास्किंग का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि हमारे देश में काफी लोग कपड़े का मास्क पहनते हैं, तो कपड़े के मास्क के ऊपर भी एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, हर 8-10 घंटे में मास्क चेंज करना चाहिए। यदि मास्क जब गीला हो जाता है तो बदली करना चाहिए, और मास्क जब आप फेंकते हैं तो काट के फेंक देना चाहिए, तो और कोई आदमी उसका मिसयूज या रीयूज नहीं करे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और मास्क जो है पूरा बॉडी प्रॉपरली अपने फेस को फिट करना और टाइटली फिट करना, ये भी उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि अपने पास सबसे बड़ा जो वैक्सीन है वो आज मास्क है। मास्क के साथ ऑफकोर्स सर्कुलेटेड एयर है, डिस्टेंस रखना चाहिए, हाथ को साबुन से धोना चाहिए, ये छोटी छोटी और सिंपल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो जवाबदारी की काम करने हैं, वो सिंपल सिंपल चीजों से हम प्रादुर्भाव कम कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर आपने सही बताया कि मास्क ये सबसे बड़ा हमारे कोरोना के अगेंस्ट जो है ढाल या शील्ड है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे लोग जो ऑफिस जाते हैं या फिर आउटडोर में काम करते हैं, उनको, उनके लिए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, किस तरह से खुद को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं वो लोग? 3 चीज, पहले तो आप जब भी हो सके कंटिन्यूअसली मास्क पहनना, आप टॉयलेट में जाएंगे या खाना खाने जाएंगे तब मास्क निकालना नहीं, खाना खाने के वक्त जब आप खाना खाएंगे और मास्क निकालेंगे तो ओपन एयर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपके साथ आपके मित्रों के साथ बैठ के नहीं खाना खा चाहिए। हो सके तो डबल वैक्सीन लगाना चाहिए, आप बूस्टर के लिए पात्रित होंगे तो बूस्टर भी लगाना चाहिए, या एक्स्ट्रा डोज या प्रिकॉशनरी डोज भी लगाना चाहिए। लेकिन दो चीज़ है कि मास्क जब आप निकालते हैं तब आपको प्रादुर्भाव हो सकता है, तो शक्य तो यही करना चाहिए कि क्लोज स्पेस में मास्क नहीं निकालना, जब आपको इवन खाना भी होगा तो आप ओपन एयर में जाके थोड़ा सा खाना खा के वापस आ सकते हैं आप, तो ये थोड़ा सा आपको असुविधा होगी, लेकिन इससे आपकी जो प्रादुर्भाव होने की जो शक्यता है वो बहुत कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि लोग बहुत लोगों में भ्रम है कि हमने 2 वैक्सीन ली है, टीके लगवाए हैं, हमको ऑलरेडी कोविड पहले हो चुका है तो हमको ये ओमाइक्रॉन से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये ओमाइक्रॉन वायरस है जिनको पहले कोविड पहले या दूसरे लहर में आया था, या जिन्होंने 2 टीके लगवाए हैं या बूस्टर भी लगवाया, उनको भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इम्यून एस्केप है। एक एक ये चीज अच्छी है कि तीव्रता कम है लेकिन इससे प्रादुर्भाव बंद नहीं होता है, इसलिए आपको सबको सावधानी बरतनी चाहिए। हमको ऑफिस बिल्कुल बंद नहीं करने हैं, हमको स्कूल्स और कॉलेज भी खोलने हैं, तो इसमें सावधानी बरतना ये बहुत जरूरी है। सतर्कता और सावधानी से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन टीका लगवाना और मास्किंग प्रॉपरली करना, थोड़ा डिस्टेंसिंग करना, जब भी मास्क निकालना होगा और खाना खाना होगा तो बाहर जाके ओपन एयर में लोगों से थोड़ा एक अंतर रख के खाना खाना, इसमें बेहतरी होगी। जी डॉक्टर साहब, क्या अपने शरीर की इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाने का भी कोई ऐसा तरीका है जो आमतौर पे लोगों को करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि खतरा तो लगातार बना ही हुआ है? तो इसके लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। अपने जीवन शैली में ही हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे वक्त पे खाना खाना चाहिए, स्लोली स्लोली खाना खाना चाहिए, लार्ज ब्रेकफास्ट, मॉडरेट लंच, लाइट डिनर लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, और उसमें फ्राइड और फास्ट फूड कम करने चाहिए।
और हमको दूसरी बात है कि रोज हो सके तो एक थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सूर्य नमस्कार, उठक बैठक भी कर सकते हैं हम, तो घर के घर में ही हम थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी बात है कि प्रॉपरली एक 7-8 घंटा सोना उतना ही इम्पोर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी के लिए। हम कम सोते हैं तो वायरल इन्फेक्शन होने की प्रादुर्भाव बढ़ जाता है, और टेंशन लेना नहीं चाहिए तो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे योग में लिखा है कि काफी अच्छे प्राणायाम हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी चाहिए आपको, और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजें करेंगे, यानी वक्त पे खाना, कम खाना, सही खाना, थोड़ा सा एक व्यायाम करना, उसके साथ थोड़ा योग या प्राणायाम या ध्यान जोड़ना, उसके साथ एक 7-8 घंटे सोना, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ और एक चीज बहुत जरूरी है, आजकल हम बहुत डिजिटली सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या है कि हम स्क्रीन पे टीवी देखते हैं या कंप्यूटर का स्क्रीन देखते हैं, लैपटॉप का स्क्रीन देखते हैं या फोन का स्क्रीन देखते हैं। तो हमारी यही भी एक दरख्वास्त है, हमने हमारी जो गाइडलाइन निकली है लाइफस्टाइल में, कि 1 घंटा एटलीस्ट आप डिजिटल डिटॉक्स करना, यानी 1 घंटा ना टीवी देखना, ना आपका स्मार्टफोन देखना, और उसमें क्या करना, आप म्यूजिक सुनना, आपको आपकी जो हॉबी है वो करना, या मन शांति रखना, तो उससे क्या होगा कि इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब आपको बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है तो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो ये खतरा है, हमको बेफिक्री भी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम के लोग हैं, एक तो बहुत डर के घर में बैठते हैं और दूसरे लोग बोलते हैं उनको कुछ नहीं होगा या मेरे को होके हो चुका है। ये दोनों में से जो मध्यम, जो मिडिल पाथ जिसको बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। उसमें एक डिजिटल डिटॉक्स करना भी उतनी ही जरूरी है कि 1 घंटा तो एटलीस्ट आप पूरे आपके जो डिवाइसेस है, या टीवी हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टेलीफोन का स्क्रीन हो, ये सब बंद करके थोड़ा चिंतन मनन, या आपकी जो भी हॉबी होगी वो करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये थोड़ा सा तनाव का वातावरण हो जाता है, और तनाव और टेंशन न लेते हुए हंसते खेलते हमको इससे बाहर निकलना है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमको सिंपल मास्क पहनना चाहिए और टीके लगवाने चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करके, नागरिक करके, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये बहुत अहम बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।